हेलो दोस्तों, अभी है रीयूनियन की एनर्जी। 11/11 पोर्टल आने वाला है, 10/10 पोर्टल चल रहा है। बिल्कुल आपकी लाइफ में बैलेंस लाया जा रहा है। बैलेंस आना चाहिए 3D एंड 5D में। आप अपनी सोल फैमिली से बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ये एनर्जी आ रही थी तो मेरे को बिल्कुल बोला गया कि इस पर रीडिंग लानी है। तो आपके लिए मैसेज ये है कि क्या रीजंस हैं, जो आप क्या ब्लॉकेजेस हैं जो आप अपने पर्सन के लिए पर्सन से डिटैच नहीं हो पा रहे और अपनी जर्नी में फोकस नहीं हो पा रहे और आपका रीयूनियन नहीं हो पा रहा है, आपके पर्सन से बातचीत नहीं हो पा रही है। चलिए देखते हैं क्या वो कारण है। एक कारण आ गया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। छोटी सी रीडिंग होगी ये, ज़्यादा बड़ी रीडिंग मैं नहीं करूँगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स। अरे भाई, कितने सारे कार्ड्स आ रहे हैं, किस किस की एनर्जी है, सबकी एनर्जी है। ये डेथ और निकाल लेते हैं। चलिए दो कार्ड भी आए हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड ये कार्ड तो आ रहा है। बैक ऑफ द स्टोरी 6 ऑफ कप्स। ओके, ये रिवर्स में आया है। ओके हेरोफेंट, बैक ऑफ द स्टोरी जस्टिस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो गाइज, आप अपने ऊपर फोकस्ड हैं, नो डाउट आप अपने ऊपर काम है, डिटैच हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत मिस कर रहे हैं अपने पर्सन को। आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन के थ्रू क्यों निकला मुझे नहीं पता। पर्सन के थ्रू को डिपेंडेंसी वाली एनर्जी आ रही है यहाँ पर। को डिपेंडेंसी नहीं रखनी है अपने किसी भी चीज़ को लेकर। आप सेल्फ लव में हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, अपने आप में खुश हैं, लेकिन आपको फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कि यार कोई होता जिससे अपने दिल की बात कह सकूं। आपके दिल में ये चल रहा है कि जिससे अपने दिल की हर एक बात कह सकूं, सोचना ना पड़े बात करने से पहले। तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है कि मैं अपने पर्सन से हर चीज़ वो बताना चाहती हूँ, बताना चाहता हूँ जो मेरे अंदर चल रहा है, जिससे मेरा दिल टूटा था, मैं सारी बातें बताना चाहती हूँ। वो स्ट्रेंथ आप लाना चाहते हो अपने अंदर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसी चीज़ में आप उलझे हुए हो, इसीलिए आपका रियूनियन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल रहे हो। कोई बात नहीं है यार, आप कुछ भी कर रहे हो, आप अपने अपने आप से बंधे हुए हो, आप अपने आप में पूरी तरह से फुलफिल, आप पूरी तरह से होल हो, कंप्लीट फील करो अपने आप को, होलनेस में आओ, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी एक मैसेज है आपके डिवाइन की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, आपके असेंडेड मास्टर्स की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी वेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है आप वेट कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आपके पर्सन भी आपके साथ आने के लिए वेट कर रहे हैं, परमानेंट रीयूनियन के लिए वेट कर रहे हैं। कन्फ्यूज़न आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपकी हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा, एन्जाइटी यहाँ पर मेरे को दिख रही है, डिप्रेशन में भी आप आ सकते हैं, डिप्रेशन में भी आप दिख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा सैडनेस की एनर्जी में हैं इस वक्त और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, क्या करूँ, कैसे करूँ, कैसे होगा। लोग ताने दे रहे हैं कि शादी नहीं हो रही है उसकी, ये नहीं हो रहा, लेकिन मैं इस जर्नी में हूँ, मेरा कनेक्शन है, मेरा इस एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, कैसे बताऊँ लोगों को, कैसे बताऊँ अपने पर्सन को कि मैं ये चीज़ें चल रही हैं, यार प्लीज़ आ जाओ। ऐसा नहीं होगा, आपको फेस करना है वो सारी सिचुएशन, क्योंकि वो लेसन्स आपके हैं। आप ईश्वर पे सरेंडर कर दो, टोटली यूनिवर्स से बोल दो कि प्लीज़ ये सिचुएशन मैं आपको सौंपती हूँ या सौंपता हूँ, आप इसको हैंडल कीजिए। वो सिचुएशन यूँ सॉर्ट आउट आपकी लाइफ में ऐसे हो जाएगी। डेथ की एनर्जी है, परेशानियाँ ख़त्म होंगी, डोंट वरी। आपको किसी मेंटोर की, किसी गुरु की ज़रूरत है। आप सोच भी रहे हैं कि कोई ऐसा इंसान मिले मुझे जो मुझे गाइड कर सके, सही रास्ता दिखा सके अब आगे का, तो बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी गुरु आपको चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेगा, डोंट वरी। आपके पर्सन और आप दोनों एक दूसरे की सेम एनर्जी में, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के कार्मिक दूसरे से एक दूसरे के लिए हैं, लेकिन आपके लाइफ में कार्मिक सिचुएशन बनी हुई है गाइस,
इसीलिए कहीं ना कहीं आप स्टक हैं, आप फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा वीक हैं, आपकी पर्सन हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, आपकी जॉब थी नहीं चल रही है ठीक, नहीं छूट भी सकती है आपकी जॉब, और यहाँ पर ये परेशानियाँ चल रही हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं पूरी तरह से पेशेंटली अपने आप को हैंडल किए हुआ है, आप पेशेंस के साथ चल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझे हुए हैं, लेकिन अपने पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपके पर्सन यहाँ पर वीक मेरे को दिख रहे हैं, ठीक है। लोगों को क्या कहना है, लोगों के धोखों से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, क्योंकि ये अब हर्ट ख़त्म होंगे, क्योंकि ये रिवर्स आया है, आपको सोचना ही नहीं है, लोगों ने आपको बहुत धोखा दिया है, वही वुंड्स वही घाव आपको अब तंग कर रहे हैं, लोग आपको बार बार ये रिपीटेड पैटर्न चले आ रहे हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल नहीं सोचना है इसके बारे में, और ये सेलिब्रेशन, क्योंकि ये जो भी आप स्टक थे कहीं ना कहीं आप उससे बाहर निकलो, और आप बाहर निकलोगे गाइस, डोंट वरी, क्योंकि ये जो कार्मिक सिचुएशन आपकी बनी हुई, कहीं ना कहीं आप इससे बाहर निकलोगे, आप पावर के साथ बाहर निकलो, आपके अंदर वो पावर है, ठीक है। तो डील विथ पीपल, ठीक है, और बिल्कुल आप इससे बाहर निकलोगे, और इसीलिए यहाँ पर डिवाइन ने मुझे बोला कि आप ये चीज़ बताइए कि क्यों आपका रीयूनियन क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि आप अपनी एनर्जी में उलझे हुए हो, इस एनर्जी से बाहर निकलो गाइस, रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो जाओ, और बिल्कुल आपके पर्सन यहाँ पर, आपके जो ये कनेक्शन है ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है, ये ऐसा ऐसा कनेक्शन है ही नहीं, क्योंकि इसमें बहुत तड़प होती है, बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन आपको उस तकलीफ़ से ही निकालने के लिए डिवाइन आपको डिटैच किया जाता है, ठीक है, क्योंकि आपके लाइफ में स्टेबल लाइफ हो, आपकी स्टेबिलिटी आ रही है, स्टेबिलिटी आएगी तब जब आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाओगे, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाओ, ठीक है ना, एक प्रोटेक्शन है आपकी लाइफ में, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, एंडिंग बिल्कुल डेथ की एनर्जी है, ये भी डेथ की एनर्जी है, ये एंडिंग होगी, ये जो भी चल रहा है सब की एंडिंग होगी, और ये एंडिंग आप ही लेकर आओगे, जो गांठ बना रखी है ना रिलेशनशिप्स में, ये खुलेंगी और आपको असली चेहरे भी समझ में आएंगे, और जो आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी गांठ पड़ गई है वो कहीं ना कहीं खुलती हुई नज़र आ रही है मेरे को, और बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोलूँ तो क्लैरिटी मिलेगी दोनों को, ठीक है, फन आएगा आपकी लाइफ में, बिल्कुल यहाँ पर ये रीयूनियन की एनर्जी है, इसलिए मैं कह रही हूँ जर्नी है और डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, डोंट वरी, बिल्कुल हीलिंग की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है, आप अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने आप को हील कीजिए गाइस, ठीक है। तो ये जो भी परेशानी है मेंटली फिजिकली इमोशनली, इनसे आपको थोड़ा सा बरी होना है, निकलना है, अपने पर्सन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, डिवाइन पर सरेंडर कर दो उनको, ठीक है, करेज लेकर आओ अपने अंदर, अगर आप कोई ओपिनियन अपना नहीं रख पा रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे घर वालों के सामने, तो बिल्कुल करेज लेकर आओ, बिल्कुल ये लव आपकी लाइफ में है और ये हमेशा रहेगा और आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, ठीक है गाइज। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है आपके लिए, इनर पीस आपकी लाइफ में आएगा, जो ये चीज़ें आपने बहुत सोची है ना, बहुत ही इमोशनली आप बहुत बैलेंस फील करोगे, ठीक है। तो ये डिटैचमेंट की जो मैंने आपको बोला है, तो डिटैच होना बहुत ज़रूरी है इन एनर्जीज से, अपने पर्सन से, आपके पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, उनको बढ़ने दो, रिलैक्सेशन बिल्कुल शांति और पीस आपको चाहिए, तो बिल्कुल वो ही आप अपने अंदर एम्ब्रेस कीजिए, ठीक है, मेडिटेशन कीजिए, नेचर में जाइए, और ये सब चीज़ें जब होंगी तो ये एनर्जी आपकी बिल्कुल प्योर हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, और फिर आपके रीयूनियन को कौन रोक सकता है, डिवाइन भी यही चाहते हैं, ओके। तो अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू, जय माता दी, राधे राधे।